मेरे साहब, बात अगर की जाए 5 साल के कार्यकाल की, तो किस तरह का अनुभव रहा, किस तरह का कार्यकाल रहा? देखिए, नवंबर 2017 और उसके 12 दिसंबर 2017 को मैंने शपथ ली थी महापौर पद की, और लगातार 5 वर्ष में अनेक जनहितकारी कार्य, जन उपयोगी कार्य, विकास के कार्य, स्वच्छता के कार्य, अतिक्रमण विरोध के विरोध में कार्य, और पर्यावरण के लिए कार्य, बहुत सारे ऐसे कार्य हुए जो जनता के लिए लाभ पहुंचाने वाले काम हैं। और मैंने नारा दिया था कि अगर मैं महापौर बना तो क्लीन आगरा और ग्रीन आगरा और नवीन आगरा बनाऊंगा इसको मैं, और दृष्टि से अनेकों काम हुए। मैंने देखा था जब मैं मेयर बना था, कूड़े के ढेर कहाँ नहीं मिलते थे, बयानों में कूड़े का ढेर, गलियों में कूड़े का ढेर, हर घर के सामने कूड़े का ढेर, डला घरों में कूड़ा, सड़क पर कूड़ा, ये गंदगी का साम्राज्य, और उस कारण से अनेकों बीमारियाँ फैला करती थी। हमने स्वच्छता के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से अमूलचूल परिवर्तन आगरा शहर में किया है, और यही कारण है कि अब आगरा शहर की जनता भी कहने लगी है स्वच्छता के क्षेत्र में, सफाई के क्षेत्र में काम हुआ है, कहीं कूड़ा गंदगी दिख नहीं रही है। इसी प्रकार से हमने आगरा शहर को हरियाली बनाने के लिए अनेकों काम किए। हमने टी गार्ड के साथ वृक्षारोपण का काम किया, और लगभग 30,000 से अधिक वृक्षारोपण का कार्य किया, और उसमें जन सहयोगी सहयोगता भी काफ़ी रही, सामाजिक संगठनों का भी सहयोग रहा। और मैंने कहा था जो पौधे लगे हैं उनकी देखरेख करने की जिम्मेदारी अब जनता की है। अपने घर के सामने बाजार में या गली में कहीं पर भी अगर पौधा लगा है, उस पौधे पर 2 बाल्टी पानी का दान देने का संकल्प आगरा की जनता को लेना होगा, जिससे ये शहर हरा भरा बना रहे। हमने स्वस्थ आगरे का भी एक नारा दिया था, और जिसके तहत हमने पार्कों में ओपन जिम का बड़े पैमाने पर हमने निर्माण किया। हमने ऐसे मैदान जहाँ कूड़े के ढेर दिखा करते थे, उन मैदानों को संवारने का काम किया। हमने उसमें पार्क बनाए, वहाँ हरियाली विकसित करने का काम किया। सड़ा, दुर्गंध, गंदा, कीड़ा युक्त पानी की आपूर्ति 2017 से पहले की जाती थी, हमने उसको शुद्ध पेयजल की आपूर्ति देने का काम किया। जहाँ 54% पानी की लाइन बिछी हुई थी, मामले 67% पानी की लाइन आज इस शहर में कार्य कर रही हैं, और लगातार नई नई पाइपलाइनों को बिछाना, नई नई सीवर लाइनों को बिछाकर इस शहर की जनता की सेवा करी। हमने समय था कि अंधेरा रहता था, बाजारों में अंधेरा रहता था, गलियों में अंधेरा रहता था, घरों के सामने अंधेरा रहता था। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ना बाजार में अंधेरा मिलेगा, ना किसी गली में अंधेरा मिलेगा, और हर घर के सामने उजाला मिलेगा। ऐसा हमने काम करके दिया। 32,000 स्ट्रीट लाइटें थी जहाँ हम महापौर बन के आए थे, आज हमने 64,000 लाइटें आगरा शहर को में कार्य कर रही हैं। तो आज़ादी से लेके अब तक 32,000 लाइट, आज़ादी से लेके 17 तक 32,000 लाइटें, और 17 से लेके 22 तक के बीच में 32,000 और लगाई गई, अब 64,000 काम कर रही हैं। और यही कारण है कि आज पूरे शहर में उजारा सफ़ेद स्ट्रीट लाइटें जल रही हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे काम हमने राष्ट्रभक्ति की भावनाओं को लोगों को जगाने के लिए तिरंगी लाइट लगाने का हमने काम किया, हमने फाउंटेन लगाने का काम किया, बहुत सारे चौराहे पर आज फुब्बारे चल रहे हैं, हमने महापुरुषों की मूर्ति प्रतिमा लगाने का काम किया, हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति लगाने का हमने काम किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल गोखला जाट जी की मूर्ति लगाने का, महाराज अग्रसेन जी की मूर्ति लगाने का, महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगाने का, हमने कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं जो आम जनमानस को बहुत ही पसंद आए। हमने कई जो मोहल्ले जो पुराने समय के चले आ रहे थे, उनके नाम को बदल के अपने भारत में जन्मे अपने महापुरुषों के नाम से उन बाजारों का नाम हमने किया है। तो इस प्रकार से हर दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, और समाज सेवा की दृष्टि से बहुत सारे ऐसे उल्लेखनीय कार्य किए हैं, और इन सब कारणों को लेकर जनता तभी तो कहती है कि आगरा बदला है, आगरा बदला है। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि जितनी मेहनत के साथ और जितनी ताकत मेरे साथ पास थी, उस ताकत को पूरा उपयोग सदुपयोग करके
पाँच साल मैंने शहर की जनता की सेवा की है, मुझे लगता है कि आम जनमानस को मेरा 5 वर्ष का कार्यकाल पसंद आया होगा। मेरे साथ 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान चुनौतियाँ क्या क्या सामने रही? अनुशासनहीनता है, हमारे नगर निगम के अंदर भी बहुत कमियां हैं, हमारे जो लेवल है उनका एक सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। कुछ सुधार जितने अधिकार हैं उन सीमित अधिकारों को रखते हुए काफ़ी नगर निगम में वित्तीय अनुशासन लाने का मैंने काम किया, मैंने अनुशासन में रखने का प्रयास किया, समय से कर्मचारियों अधिकारियों को आने के लिए मैंने प्रेरित किया, और ये सब चीज़ें हैं, कठिनाइयां हैं। वित्तीय संसाधनों की एक चुनौती पूर्ण है, एक आय बढ़ाना एक कठिन काम है कि अगर टैक्स बढ़ाते हो तो आम जनता नाराज़ होती है, लेकिन सीमित संसाधन जैसे मैंने कहा उसे में रहते हुए आगरा शहर को ऊंचाइयों तक ले जाना एक बड़ा चुनौती का काम है। दलगत राजनीति का क्या इस बार असर देखने को मिला 5 वर्ष के कार्यकाल में? देखिए, जहाँ ईमानदारी से और निष्ठा से सर्व समाज के लिए काम होगा तो दलगत राजनीति बस समाप्त हो जाती है। मैंने अपने टाइम में और दलगत राजनीति को पनपने नहीं दिया, मैंने एक नारा दिया था जब मैंने शपथ ली थी, मैंने कि इस बोर्ड में समाजवादी पार्टी के भी पार्षद हैं, बहुजन समाज पार्टी के पार्षद हैं, कांग्रेस के भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, हम लोग अपने बैनरों से चुनके अवश्य आए हैं, लेकिन अगर हम नगर निगम सदन में बैठेंगे तो नगर निगम सदन में हम बैठेंगे तो हमारा एक दल होगा, उस दल का नाम होगा विकास दल, उस दल का नाम होगा विकास दल, और विकास दल के झंडे के नीचे सभी दलों के पार्षदों ने हमने मिलकर आज शहर को में काम किया और शहर में विकास के नए नए हमने काम किए और करोड़ों रुपए के वार्डों में काम हुए। पहले के समय में अगर 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए साल का अगर एक वार्ड में काम हो जाता तो वार्ड का पार्षद खुश हो जाता था। आज हमारे मेरे टाइम में मैंने एक वार्ड में 1 करोड़ रुपए से अधिक के काम करा दिए, अधिक के काम कराए हैं, पार्षद खुश हुए, जनता खुश हुई है। तो कुल मिला के लगता है कि ये सब चीज़ें जो हुई है और जनहित में जो एक करने का काम था वो हमने किया है। कार्यों की बात किया तो सबसे प्रमुख उल्लेखनीय कार्य कौन कौन से रहे? देखिए, आगरा में सबसे बड़ा जो काम अगर हुआ है जो एक जनता से अलग हटके काम हुआ है जिससे जनता को एहसास नहीं है उसके परिणाम क्या निकलेंगे, एक हमने यहाँ पर कूड़ा जहाँ डंपिंग स्टेशन है खत्ता का जिसे हम लोग बोलते हैं, वहाँ 10 लाख कूड़ा इकट्ठा था, 67 एकड़ भूमि जो है उस पर घिरी हुई थी, वहाँ हमने उस कूड़े के खाद बनाने का हमने काम किया, मिट्टी को अलग किया, खाद बनाया और वो मैदान हमने कर दिया, पूरा खाली मैदान कर दिया। आज उसी जगह पर हम एक कूड़े से बिजली बनाने का प्लान लगा रहे हैं, बाउंड्री का काम चल चुका है और 1 साल के अंदर ये कूड़ा जितना निकलेगा इससे में बिजली बनाने का हम काम करेंगे। तो ये हमने संसाधन सबसे बड़ा उपलब्ध कराया है जिसके आगामी परिणाम आगामी जो वर्ष है उनमें नगर निगम को फ़ायदा होगा, आगरा की जनता को फ़ायदा होगा, कूड़े के ढेर दूर दूर के कूड़े के ढेर जहाँ होंगे ये नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी लेके आएंगे उस प्लांट पर, क्योंकि उसकी 1400 मेट्रिक टन पर डे की कंजम्पशन कैपेसिटी है काम उसको कूड़े से बिजली बनाने की, कूड़े से अब हमारे यहाँ निकलता 800 टन, 850, 900 टन तो आर्बिट 900 टन निकल जाता है, तो जितना कूड़ा होगा वो खप जाएगा और फिर कूड़े से बिजली बन जाएगी, सब समाप्त हो जाएगा, कोई जगह कूड़े के कारण से इंगेज नहीं होगी। एक जो बहुत बड़ा काम हुआ है, हमने हरियाली के क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त काम किया है, जो हमने पौधे लगाए थे 5 और 4 फुट के आज वो पौधे 15-20 फुट के हो गए, जो मैदान कूड़े के ढेर में पड़े हुए थे उन मैदानों को कूड़े को साफ करके उन मैदान में हमने पार्क विकसित करा दिया, हमने ओपन जिम का निर्माण करा दिया। तो ये ऐसे उपलब्धि वाले काम हुए हैं कि पहले कभी रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था कोई सोच सकता था कि सुबह सफाई होगी और रात्रि को सफाई होगी, हमने प्रमुख आगरा के बयानों में रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का एक काम किया जिसकी सराहना आगरा की जनता ने की है, और इस प्रकार से तमाम बहुत सारे काम, गंगा जल अब पहुँच गया घर घर में, ये कोई कम उपलब्धि है? गंदा पानी मिला करता था, लोग हाथ और स्नान करना पसंद नहीं करते थे, वो उस पानी को अलविदा कहा, हमने गंगा जल पहुँचाने का काम किया। ये सारे बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो यादगार याद करेगी आगरा की जनता, यह सब
माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से संभव हुआ और उनके आशीर्वाद से संभव हुआ। मेरे साहब आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? आगे नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, पार्षद प्रत्याशी और महापौर प्रत्याशी जो भी आएंगे उनको जिताने में पूरी ताकत लगाएंगे।